मैं नोएडा हूँ, मेरे अंदर बहुत सी खासियत है लेकिन कुछ खामियां भी हैं। आज के अध्याय में उन्हीं खामियों पर प्रकाश डालेंगे। ट्रैफिक आज के समय में पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की कहानी। इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाला नोएडा भी अब पूरी तरह से ट्रैफिक की मार से जूझता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक से नोएडा की जनता अब त्रस्त होती जा रही है। चाहे कालंदी कुंज से नोएडा आने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला अच्छा मार्केट, हर तरफ ट्रैफिक की समस्या से आम जनता परेशान है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ इलाके दिखाएंगे जहां जाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सबसे व्यस्त नोएडा की मार्केट अट्टा में, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी गलत तरीके से गाड़ियां फुटपाथ पर लगी हैं। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था की ये पोल खोल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सब की जानकारी आला अधिकारियों को नहीं है, मगर फिर भी इस व्यवस्था को ठीक करने की जहमत तक नहीं उठाई जाती है। अब इन मैडम को ही देख लीजिए, जब देखा कि न्यूज वन इंडिया का कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा है तो दौड़ी चली आई ई रिक्शा और ऑटो को हटाने के लिए। इससे पहले मैडम को ट्रैफिक जाम का ध्यान तक नहीं आया। सबसे व्यस्त अट्टा मार्केट में फुटपाथ का पता नहीं है क्योंकि यहाँ दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से फुटपाथ पर चलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नोएडा को एक हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन नोएडा में आम जनता के लिए दुश्वारियाँ कितनी हैं इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अट्टा मार्केट में, नोएडा का सबसे व्यस्त एरिया। इस एरिया में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जाते हैं, मार्केट हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, लेकिन ट्रैफिक का इंतज़ाम कैसा है वो आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे आप देखिए मेन रोड पर ये ऑटो स्टैंड जिस तरीके से लगा है। ट्रैफिक जाम हो कोई परवाह नहीं है, ना इसकी सुध लेने वाला कोई है और ना ही इसकी किसी तरीके से कोई भी हालत को बदलने की कोशिश की गई है। नई सीपी चिमी सिंह का साफ तौर पर कहना था कि ट्रैफिक की समस्या हो या फिर अपराध को लेकर, जिस तरीके से नोएडा में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसकी समस्या, उस पर लगाम लगाई जाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर नोएडा के ऊपर है, लेकिन उस जिम्मेदारी का क्या जब नीचे के अधिकारी ही उसको पलीता लगा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा नो पार्किंग जोन का है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी पार्किंग से ये पूरा एरिया भरा हुआ है, जिससे रोड में यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है अमूमन। अभी तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, जैसे जैसे शाम होगी ये एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और इधर से जब शाम को ऑफिस से लोग निकलते हैं तब घंटों जाम में जूझते हैं। नोएडा में और भी कई जगह ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, उनसे भी अब हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में रूबरू करवाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद नोएडा प्रशासन हो, नोएडा की पुलिस हो, वो इस बात को संज्ञान ले और नोएडा की जनता को कहीं ना कहीं राहत जरूर दे। ये तो बात हुई नोएडा के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके अट्टा मार्केट की, लेकिन अब आपको आगे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिनका आदेश था कि 14 नवंबर 2022 तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए, मगर हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये रास्ता है दो प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क कालिंदी कुंज बैराज का, जहां 2 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा और टूटी सड़कें पिछले 1 साल से ज्यादा समय से पड़ी है, जिसमें नोएडा से दिल्ली जाने वाले रोज जाम से जूझते हैं। 10 मिनट का रास्ता पूरे 1 घंटे से ज्यादा समय में पार कर पाते हैं। रोजाना यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसके बाद भी नोएडा अथॉरिटीज की सुध नहीं लेती। दूसरी तरफ जाम की एक और समस्या है दिल्ली की तरफ बने एमसीडी टोल की, जिसकी वजह से यहां जाम और भयानक हो जाता है। गलत दिशा में कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स वसूलने की वजह से भी यहां लंबा जाम लगा रहता है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज बैराज पे बना ये पुल ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। एक मेन वजह है इस पर एमसीडी का टोल, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल अलग से 2 लेन दी गई हैं, लेकिन कुछ कमर्शियल गाड़ियां जो दूसरी साइड पर आती हैं जिनकी वजह से टोल कर्मी 20 सड़क पर टोल लेते हैं और उसके बाद यहां ट्रैफिक जाम की समस्या सुबह और शाम डेली बनी रहती है। 4 बजे का टाइम हो रहा है और 4 बजे का आप स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कितना हैवी ट्रैफिक हो पा है। दूसरी बड़ी वजह एक ये भी है कि आश्रम फ्लाईओवर जब से बंद हुआ है तब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्कलोड जो कह सकते हैं इस पर प्रेशर ट्रैफिक का ज़्यादा है इस रोड पे, इसकी ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अमूमन आम दिनों में भी अगर आप 6 बजे के आसपास 5:30 बजे के आसपास इस रोड से निकलते हैं, नोएडा से कालिंदी कुंज जाते हैं, तो आपको 1 घंटा पूरा ट्रैफिक में जूझना पड़ता है। उसकी एक मेन वजह है कि जो ये टोल बूथ बनाया गया है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2 टोल बूथ हैं, लेकिन टोल कर्मी जो होते हैं वो
बाहर आकर दूसरी लाइन में जो प्राइवेट गाड़ियों की लाइन है वहां आकर टोल वसूली करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रुकती हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिर्फ टोल कर्मी ही इस चीज़ के पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब टोल रोड दो बनाया गया है, ऑलरेडी यहाँ पर दो टोल बनाया गया है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, उसके बावजूद भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो टैक्सीज हैं, वो दूसरी लाइन में आती है, जिसकी वजह से जब टोल कर्मी उनसे टोल लेता है तो कुछ समय लगता है, जिसकी वजह से ये हैवी ट्रैफिक बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन साफ तौर पर है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के अंदर में आता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अंदर में आता है, ट्रैफिक पुलिस इस पर कई बार इस चीज़ की लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ढाक के तीन पात, नतीजे बिल्कुल जीरो, और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जब दिल्ली से नोएडा आने पर यमुना पुल के ऊपर भी पिछले लंबे समय से सड़कें टूटी होने के कारण लंबा जाम लगा रहता है, मगर इस सड़क की भी सुध अथॉरिटी के अधिकारी ने कभी नहीं ली। सूत्रों की माने तो जब इनकी शिकायत इस पुल को बनाने वाली कंपनी को की गई तो उनका कहना था कि हमारा पुराना बकाया अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस सड़क का रखरखाव नहीं किया जा रहा। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। योगी सरकार का कहना था कि नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। गड्ढा मुक्त हो भी गई, लेकिन जहां पहले सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन वहीं अब गड्ढों में सड़क नज़र आती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली से नोएडा आने की तरफ जब कालिंदी कुंज बैराज से आप निकलेंगे, सेक्टर 126 पुलिस पोस्ट से आगे क्रॉस करते हुए, पिछले एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये इसी तरीके से रोड टूटी है, गड्ढा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई इस चीज़ को लेकर नहीं हुई कि ये मलबा यहाँ से हटाया जाए या गड्ढा यहाँ से भरा जाए। किस तरीके से सरकार के दावों को पलीता अधिकारी लगाते हैं। सूत्रों की माने तो जो ठेकेदार था उससे जब इस बात की शिकायत की गई कि इस गड्ढे को भरा जाए, इससे रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएँ होती हैं, तो उसका ये कहना था कि पिछला बकाया नहीं मिला, जिसकी वजह से काम आगे नहीं हो रहा है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो खैर बात की बात है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की माने तो उनके संज्ञान में ये ज़रूर है कि यहाँ पर ये गड्ढा पिछले एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, सड़कों में से तो गड्ढे निकाल दिए गए, लेकिन अब शायद गड्ढों में सड़क डाल दी गई है या बना दी गई है। ये जीदी जागती बानगी है, आप देख सकते हैं एक एक डेढ़ फीट गहरा ये गड्ढा मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होता है यहाँ पर और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है। अब इसका निस्तारण ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करेगी, नोएडा अथॉरिटी करेगी या फिर नोएडा ट्रैफिक पुलिस, ये तो समय बताएगा, अधिकारी बताएंगे। लेकिन जब इस बाबत बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को लेकर कहा कि हमको जानकारी नहीं थी, जानकारी हुई है, हम हमारे संज्ञान में आया है, अब इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ये सड़क कितनी जल्दी दुरुस्त होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अथॉरिटी के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी साल भारत G20 समिट की मेजबानी भी करने जा रहा है और इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से कई देशों के प्रतिनिधि नोएडा भी आएंगे, मगर सड़कों की ऐसी हालत देखकर शायद भारत के मान सम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने कि चाहे एनक्रोचमेंट की बात हो या फिर ट्रैफिक की समस्या से, नंबर वन कहे जाने वाले नोएडा में रहने वाले नागरिक रोज परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, जिस पर अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बावजूद सरकार के आदेशों की अनदेखी करते नजर आते हैं। हमारी खास पेशकश, मैं हूं नोएडा में, फिलहाल इतना ही, मगर न्यूज वर्ल्ड इंडिया नोएडा की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता रहेगा, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने पहल की है, नंबर वन नोएडा बनाना है।